नमस्कार, मैं दीपांजना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम एक इंस्टेंट डोसा रेसिपी बनाएंगे। ये डोसा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, पर बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाती है। तो आइए देख लें। सबसे पहले आधा कप उड़द दाल ले लेंगे। उड़द दाल को धोकर उसे हम भिगो के रख देंगे। उड़द दाल को कम से कम एक घंटा भिगो लें। उसके बाद मिक्सी में डालकर एक फाइन पेस्ट बना लें। पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। अब जिस मेजरिंग कप से मैंने पहले एक कप उड़द दाल लिया था, उसी कप से चार कप अब हम सूजी का ले लेंगे। ये अनरोस्टेड सूजी है। चार कप हमने सूजी का लिया है। अब उड़द दाल के पेस्ट को सूजी के साथ अच्छे से मिला लें। नमक और पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लें। इसमें आधा टीस्पून हम जीरा डाल लेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काटकर मिला लेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस घोल को अच्छे से मिला लें। अब घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी डोसा के लिए परफेक्ट है। इसे पूरिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसके बाद डोसा तवा को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद डोसा तवा को मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे। अब इसमें बैटर डाल करके अच्छे से घुमा घुमा कर डोसा बना लेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ऊपर का कलर चेंज होने लगे, इस पे घी या तेल आपको जो भी अच्छा लगे ज़रा सा इस पे डाल दें। घी का टेस्ट डोसा के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो इसलिए हम घी डाल रहे हैं। अब इसको पलट लेंगे। आप देख सकते हैं डोसा का कलर कितना अच्छा आया है। पलटने के बाद इसको आधा मिनट पकने दें। बस अब ये डोसा बन चुका है। एक और बना लेंगे। सबसे पहले टिश्यू पेपर की मदद से जो तेल है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद डोसा के बैटर को बीचों बीच डाल करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
हल्के हाथों से इसे स्प्रेड करें। जैसे ही डोसा आप स्प्रेड कर लें, उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई पर रखें। ऊपर का कलर चेंज होते ही इस पे घी डाल दें। उसके बाद इसे पलट लें। आधे मिनट के लिए इस तरफ से भी पकाएं। अब ये डोसा भी एकदम तैयार है। अब डोसा को परोसने के लिए उसके साथ हम चटनी बना लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने देंगे। सबसे पहले चटनी के लिए छौंक बना लेंगे। सरसों को चटकने देंगे। सरसों जब चटक जाए उस पे कड़ी पत्ता डाल दें। अब चटनी के छौंक को एक बाउल में निकाल के रख लें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही कम से कम तेल पे चटनी बन जाती है। तो तेल के ऊपर मैंने एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब इसको थोड़ा चला चला कर भून लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको भून लें। अब 2 मीडियम साइज़ का टमाटर हमने काट कर इसमें मिला लिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अब तीखेपन के लिए हमने इसमें 2 हरी मिर्च डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाकर भून लेंगे। बस अब ये हो चुका है। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में ले लेंगे। इसमें 1/4 कप फ्राइड चना दाल डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे। अब इसको एक फाइन पेस्ट में पीस कर तैयार कर लेंगे। अब पेस्ट बन चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी को देख लेते हैं। ये परफेक्ट है। अब चटनी को रेडी कर लेंगे छौंक डाल करके। अब डोसे को परोस लेंगे। तो आपने देखा ना कितने मज़ेदार ये डोसा बनी है। इस चटनी के साथ ये डोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।